कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मेरी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं गई थी, कुछ वीडियो घूम दे रही थी दिनों के बाद। तो आज मैंने सोचा हिम्मत करूँ थोड़ी सी, अगर बड़ा मुश्किल हो गया। उन्होंने गोश्त पहले मटन था जला लिया, मसाला भूनकर और सब कुछ जैसे बनाते हैं, उन्हें चने की दाल और गोश्त बना रही हूँ। तो आप सोच लीजिए उसमें दे पा रही हूँ, उसको भून के उसको बॉयल कर लिया, दाल को भी इतना टाइम में वीडियो नहीं बना सकती। मुझे कर दी बहुत मुश्किलें कर दी, बहुत मुश्किल है, खड़ा नहीं हुआ जाता मुझसे। अब इसको भून के थोड़ा पानी डाल दूँ, तो क्या करूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा। ये थोड़ी दाल अब जाएगी, इसमें इसको इसका टेस्ट आ जाएगा मटन में, बस इतना ही बना सकती थी। मैंने धनी डालेंगे तो थोड़ा एक दो बार कर दें, ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया था। और सॉरी मैं फुल रेसिपी नहीं बता सकी, माजरत चाहती हूँ। बस ये भी मैंने बहुत मुश्किल से बहुत तकलीफ़ से किया है, पहले गोश्त को गरम मसाले में फ्राई कर लिया साबित में, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेज़पात, इन सबको, ज़ीरा, इन सबको डालकर भून कर कड़कड़ा कर गोश्त को फ्राई कर लिया था। फिर प्याज लहसुन और सारे मसाले डालकर गलने को चढ़ा दिया था, जो सभी करते हैं यही मैंने किया। और दाल को अलग से बॉयल कर लिया था, करती नहीं हूँ मगर मैंने आज किया, क्योंकि मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं वहाँ खड़ी रहकर भूनूँ। और फिर अब मैंने जब गोश्त गल गया और दाल भी गल गई तो मैंने इसको भून कर और थोड़ा पानी डालकर और ग्रेवी बना ली इसकी। और इसमें धनिया, क्योंकि फ्रीज़र होता है हमारा, फ्रिज में होता है, फ्रीज़र में तो डालना पड़ा पहले ही, और हरी मिर्चें डाल दी थी छोटी छोटी थी, और हरा गरम मसाला भी गार्निश किया। बस यही कुछ था। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरे लिए दुआ करें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत बीमार हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ। ऐसा तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ, 2 वीक हो गए मुझे, मेरी वीकनेस दूर नहीं हो रही है। मैं चलती हूँ तो मुझे घबराहट होती है और पैर मेरा साथ नहीं देते, कैसा लगता है जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, मुझसे खाया पिया भी नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं खा सकती मैं, सब कुछ करके देख लिया, वरना मुझे तो बहुत भूख लगती थी, जो दिल में आता था खा लेती थी, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। ना चाय अच्छी लग रही, ना बिस्किट, ना कोई खाने बनाती हूँ, खा नहीं सकती, सामने आता है खाना फिर भी नहीं खा सकती। बस आप लोग दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और शायद मैं खानों की रेसिपी इतनी जल्दी नहीं दे सकूँगी, क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं है, इसके लिए हिम्मत की ज़रूरत होती और मेरे पास हिम्मत नहीं है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं और रूटीन, जो मेरे कपड़ों का कलेक्शन,
और चूड़ियों का और चप्पलों का और जो भी आप कहेंगे और जो भी कुछ मैंने बनाया हो वो मैं देती रहूँगी आहिस्ता आहिस्ता। और बस इसी तरह की, क्योंकि बाहर में जाती नहीं, जो बाहर की वीडियो बना कर लाऊँ तो मेरी मजबूरी को समझिएगा। और बस दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दे, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत हिम्मत बढ़ती है कि मैं आगे बढ़ूँ। शुरू शुरू में मुझे बहुत अच्छा लगा था जब स्वीटी जी ने मुझे शॉर्ट आउट दिया था और लोग आए थे और सब्सक्राइब किया था और बताया था कि हम स्वीटी जी की तरफ से आए। फिर मुझे सोनिया ने दिया, उन्होंने थोड़े लोगों ने आए कहा और फिर गायब हो गए। और सोनिया के कहने पर मैंने बहुत लोगों की वीडियो पर गई, देखी, सब्सक्राइब किया, मगर वो पलट कर पूछते भी नहीं हैं। तो अब बताएं मैं क्या करूं, अब मेरे पास मैं इतनी हिम्मत नहीं है, अब मैं ज़्यादा किसी के जा नहीं सकती, अपने जो मेरे आ रहे हैं उन्हीं के जाया करूंगी। और सलाम दुआ तक बस प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि अब हिम्मत ही नहीं है ना फ़ोन पकड़ने की, ना बात करने की, ना लिखने की। तो इसलिए अब इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और एक और मैसेज, आसफा की फूफो सास जो फूफी थी उनका सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं शुरू से ही आसफा को फॉलो करती थी, उसकी वीडियो देखती थी और फिर मैंने सानिया की देखना शुरू की, फिर मैंने गुलशा की देखना शुरू की। तो मैं इन लोगों को अभी तक नहीं छोड़ा, मैं देख रही और सब्सक्राइब भी किया है मैंने, इनको लाइक भी करती हूँ। और जब इनकी सास का इंतकाल हुआ जब भी मैं बहुत दुख हुआ था, इनकी अम्मी का हुआ जब भी बहुत दुख हुआ था, और इनके ससुर के लिए भी दुआएं करती हूँ। तो प्लीज़ आसफा आप ही हमारे लिए दुआ किया करें, कभी तो रिप्लाई दे दिया करें, बस इतना ही कहूँगी। अल्लाह ताला फूफी की मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद हो, उनको जन्नत में जगह मिले, आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा सब लोग, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने अपने घरों में आबाद रखे, कामयाबियां दे, तरक्की दे, आपके काम में बरकत दे, आमीन सुमा आमीन। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।